और यहाँ देखो कहाँ तक जाता है भैया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस शाम के 6:35 हो रहे हैं और मैं अभी कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस अभी अभी मैं छत में पानी डालने आया था फूल में, तो देखो मैंने फूल में पानी डाला अभी अभी, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभी गुलाब का फूल, हमने जो गुलाब के वो लगाए थे कटिंग, उसमें कुछ भी आया नहीं है, अभी देखते हैं कब तक आता है। और आज दिखाता हूँ यहाँ जो गेहूँ वो किए थे, आज वो कर दिए हैं, आज मशीन लगी थी यहाँ पे, तो गेहूँ अलग हो गए हैं उसके। तो गाइस मंजू जी लोग गए हैं बाजार, आज लगती है बुध बाजार, पिछली बार हम गए थे बुध बाजार तो आज वो वहीं गए हैं। और मानसी बैठी है दुकान में और कन्नूसी रोज की तरह खेलने गए हैं, तो मैं भी चलूँगा दुकान और दुकान में देखते हैं मानसी क्या कर रही है। मुझे तो थोड़ा बुखार आया था तो अभी तक मैं दुकान में गया नहीं हूँ, तो अब दुकान में जाऊँगा और देखते हैं मानसी क्या कर रही है वहाँ। ईशु कन्नू भी आ चुके हैं, अभी अभी आ रहे हैं। और कन्नू ये रही, ईशु ये रही, ये बिल्ली, और वो रही चिड़िया। तो गाइस ये लोग आज जल्दी आ चुके हैं, तो गाइस इन्हें देख सकते हैं। मारने आ रही थी मुझे, तो गाइस आज कन्नू ईशु जल्दी आ चुके हैं क्योंकि परसों इन्होंने मार खाई है, मैं यही बात बोला था। ये देखो कैसे आई कर रही है यहाँ पढ़ाई। कन्नू ईशु चले गए हैं घर को और मंजू जी लोगों के आने तक हम भी दुकान में बैठते हैं, फिर वो बैठेंगे तो ठीक वरना हम ही बंद करके जाएंगे। तो गाइस काफ़ी देर हो चुकी है पर मंजू जी लोग अभी तक आए नहीं है, वो पंचायत घर गए हैं ताई जी लोगों के वहाँ, तो अभी आने वाले होंगे और हमें दुकान बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, फ़ोन आया था अभी भी, तो हम दुकान बढ़ा के घर से चलते तो सामान रखते हैं और चलते हैं घर को, बढ़ा दिए दुकान और चलते सीधे घर। तो गाइस पहुंच चुके हैं घर और कन्नू भी आ चुकी है और देखते हैं ईशु क्या कर रही है। पिंडी लाई है तू? ईशु ने आटा गूंद दिया है। कन्नू ने गूंदा है, तू क्या कर रही थी? ये सोई हुई थी अभी तक और सारा काम करने से करवाया है इसने। गाइस ईशु बना रही है रोटी, ये अकेले बना रही है तो अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ रोटी सेक देता हूँ। इसे भी सर्दी और बुखार हो रहा है और मुझे भी, इसका ही मुझे भी लगा है शायद, तो फटाफट हम रोटी बनाते हैं और मंजू जी लोग भी आ जाएंगे तब तक। और मानसी बना रही है भिंडी, लोग आ चुके हैं अभी अभी आ रहे हैं। और ये बना रही है भिंडी और ईशु की रोटी देख सकते हैं। गाइस ये वहां से लाए हैं फूल और हम लगाएंगे कलगुए वाला फूल, और मैं गाड़ी चढ़ा देता हूँ अंदर तो हाथ। और कन्नू बाहर ही है रोड में, उसे भी बुलाता हूँ। तो कल हम ये वाले फूल लगाएंगे, इतना बढ़िया फूल है, कल को इसे लगाएंगे। भिंडी तो बना दी है तो इसके बाद खाना लगाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर छत में जाएंगे हम, इसके बाद छत में चलते हैं और छत में हवा खाते हैं थोड़ी देर ठंडी। आज हमने छत में बल्ब लगा दिया है और हम आ चुके हैं छत में, मानसी है और हम लगाएंगे कल को दूसरा फूल। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कुछ टाइम बाद हमारे पूरी छत में फूल ही फूल होंगे, जैसे हम रोज लगाएंगे तो एक एक फूल भी। हवा आ रही है यहाँ और ईशु भी आ चुकी है यहाँ। तेल है नीचे, मेरा तेल गिरेगा ना, मैं उसको आगे, तो इसके सर में तेल लगाना है, छत में लगाएंगे, काफी अच्छी हवा आ रही है यहाँ, इसके सर में लगाना है तेल, इसके सर में लगाते हैं फटाफट तेल और फिर चलते हैं नीचे खाना खाने।
ज्यादा मत डालो तेल का, मैं सारा लगाना होगा ये। हाँ सारा लगाना, लेकिन कम है। सर मैंने अपने बालों में भी तेल लगा लिया है, और चलते नीचे ये खाना खाने के लिए बुला रही है कन्नू। वहाँ से कन्नू आ गई, मुझे फोन नहीं दे रही है ना कन्नू। तो कन्नू भी आ गई है, तो नीचे से आवाज आ रही है खाना खाने के लिए, तो चलते हैं। चल मानसी, तू चला ले आधा घंटा, मेरी नींद मैं रात को लूंगी। चल चल, तो चल मुझे तय है उसने 10। चलो खाना खाते हैं, तो चलते हैं नीचे। और आज शाम को बारिश भी आ सकती है, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है, हवा भी बहुत चल रही है। और यहाँ कन्नू भी आ चुकी है, तो गाइस ये देखिए इसके सर में लगाई है बाल छड़ी। ये एक तेल है बाल छड़ी, और ये इसने इतनी प्रार्थना कर ली आज कि सही, ये सोच रही एक ही दिन में बाल बढ़ जाए। और अभी कह रही थी हे सरस्वती माता मेरे बाल सुबह तक इतने लंबे कर दे, इतने लंबे कर दे कि मुझे दूसरे दिन से कभी कहना ही नहीं पड़े। तो इसके बाल बढ़ पाएंगे क्या, आज लगाया इसने बाल छड़ी वाला तेल, तो क्या इसके बाल बढ़ पाएंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए ये कर रही है यहाँ। बड़ी मुश्किल से बोला, और देख सकते हैं अभी भी बोलने में है। मुझे देखो ये फोन के लिए लड़ने वाले, हमारा नया रूल देखिए, यहाँ लाइन लग चुकी है। जैसे कहीं लेंटर एंटर डालना हो तो ऐसे ही डालते, और यहाँ से मैं पास कराऊंगा, यहाँ से फिर इसी पास कराएगी। ये देखो अभी जाएगा, और क्या चाहिए कटोरी। तो आज के बाद हम ऐसे ही पास कराएंगे, कितनी कटोरी चाहिए। ये क्या तीन कटोरी दे रखी है, तो ले छह कटोरी। और क्या दूं, बस एक और दो कटोरी ले। अब फिर से बांधो। अच्छा तो वैसे अभी यहाँ से बाजी ले, एक और ब्लू वाली बोतल लो दो ना। और भी कुछ देना है जल्दी बताओ। लाइन से कैसे काम हो रहा है देख सकते हैं, जैसे सीमेंट देने में करते हैं। तो लग चुका है हमारा खाना, डालो खाना। मम्मी पप्पी हो रहा है, मम्मी पप्पी भी कैसे बांट रही है। गाइस इसने मार दिया इशू को, तो आप दिखा सकते हो लाइन। कन्नू ने इशू के गाल मार दिया, और आपका इशू को जो गुस्सा है वो मुझ पे निकाल, मुझ पे क्यों निकाल लिए। कन्नू मार दी, खोल कन्नू जल्दी आजा खाना। तो गाइस खाना खाते हैं, कन्नू आ तो कन्नू पल्ली तरफ छुपी हुई है, टीसू मार दी उसे, तो अभी आ जाएगी वो। ये और बात एक और रोटी तो दे मुझे, यहाँ तकिए के लिए भी लड़ाई हो रही है, एक तकिए के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखो गाइस सब लोग आ चुके हैं, और ये लोग सो जाएंगे, और मैं आराम से अब एडिटिंग करूंगा। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।